नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। माय नेम इज़ अंकुर और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। अभी जो है मेरे पास में है यामाहा MT-15 और इसी बाइक का जो है मैं माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं कैसा माइलेज देती है ये, और सबसे पहले सिटी में माइलेज टेस्ट करूँगा और उसके बाद में जो है मैं हाईवे पर लेके जाऊँगा इस बाइक को। टैंक फुल कर दो। ठीक है चलेगा। पे देखा नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? यूट्यूब पे है मोटो यात्रा के नेम से। कितना हुआ? 449 पेट्रोल जो है मैंने डलवा लिया है, फुल टैंक हो गया है और कुछ 5-7 लीटर पेट्रोल आया। अब ट्रिप जो है 2 है, आपको दिख रहा होगा, मैं उसको कर देता हूँ 0। तो ट्रिप 2 को मैंने कर दिया है 0। तो इस सिटी में जो है ना, मैं इसको 20-25 किलोमीटर राइड करके देखता हूँ और देखते हैं कैसी चलती है। बाइक के जो सस्पेंशन हैं थोड़े से स्टिफ हैं जो मैंने फील किया है, अभी सीट भी थोड़ी सी स्टिफ है। तो बाइक को राइड करते हुए मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 11.6 किलोमीटर। जिस पेट्रोल पंप से मैंने अभी पेट्रोल डलवाया था उसी पेट्रोल पंप पे मैं वापस जा रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं। यार ये जो बाइक है ना, सिटी कंफर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। इवन इस बाइक के अंदर जो है 6 गियर्स आते हैं, लेकिन उन 6 गियर होने के बाद में भी जो है आप सिटी में आराम से 40-50 की स्पीड पे भी 6 गियर में इस बाइक को राइड कर सकते हो, जैसा भी 6 गियर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और उसके बाद में जो है 60-50-40 जो चल रही है आराम से, मुझे किसी भी तरह की जो है कोई भी जो नॉकिंग जो होता है ना वो मुझे इस बाइक में नहीं मिल रहा है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस बाइक के लिए। और अभी कुछ ख़राब जो रास्ते आते हैं और वहाँ पे जो है ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती है। अभी जैसे मैं चल रहा हूँ 64 और आगे जो थोड़ा सा ट्रैफिक है, सो मैं एक बार उस ट्रैफिक में जाके देखता हूँ। और इतनी ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैं 6 पे हूँ तो मैं इसको मैक्स टू मैक्स जो है मैं 4 पे भी डालता हूँ तो हल्का सा दिक्कत है। 3rd गियर पे भी जो है आराम से मैं 15-16 की स्पीड पर इस बाइक को राइड कर सकता हूँ। तो जो कहते हैं ना मास्टर ऑफ टॉर्क, रियली में ये बाइक मास्टर ऑफ टॉर्क ही है। ऐसे रास्तों पे इजीली जो है 15-16 की स्पीड पे निकल रही है, वो भी 3rd गियर में। सो अकॉर्डिंग टू मी, आपको जो है अगर आप इस बाइक को सिटी पर्पस से परचेज करते हो सो आपको ज़्यादा गियर शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। खैर पेट्रोल पम्प आ गया है और वही पेट्रोल पंप जिससे मैंने टैंक फुल करवाया था, और वापस से उसी बंदे से उसी जगह पे पेट्रोल वापस से फुल करवाते हैं। देखते हैं कितना पेट्रोल इसके अंदर आता है। 22.6 और बाइक के जो क्लेम मीटर हैं वो ऑडोमीटर हुआ है, ओनली 149 किलोमीटर हुआ है, एकदम न्यू बाइक है ये। आई थिंक आधा लीटर से ज़्यादा नहीं आएगा। ये जो लाइन है ना वहाँ तक कर दीजिएगा, ऑलरेडी फुल है। 0 कर दिया ना आपने? हाँ जी। इसमें मैं लॉक नहीं कर पाऊँ? हाँ लॉक मत करो, आप लॉक होगा भी नहीं। .39.50 का पेट्रोल आया, ओनली .50। सो 22.6 डिवाइडेड बाय 0.50। सो 45 का जो माइलेज है मुझे इस बाइक ने सिटी में दिया है।
एक 155 सीसी और जिस बाइक की जो पावर है 18 हॉर्स पावर है, उसके बाद में मुझे 45 का माइलेज इस बाइक ने सिटी में दिया है। इससे बेटर और क्या चाहिए यार। अब जो है मैंने वापस से टैंक फिल करवा लिया है, तो मैं इसको भी जो है ट्रिप को ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है, अगेन ज़ीरो। और अब मैं जा रहा हूँ इस बाइक को लेके हाईवे पे। यहाँ से जो हाईवे है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर है। डालो बस हो गया। तो ऑलमोस्ट पेट्रोल मैंने डलवा लिया है भाई। बाइक के लिए 28.7 और पेट्रोल आया इसमें 0.64 का, तो 44 के आसपास का माइलेज मुझे इसने बाइक ने हाईवे पे दिया है। और मेरी हाईवे पे जो स्पीड थी वो थी ऑलमोस्ट 90 के अराउंड, मैं उस पर 100 पे नहीं लेके गया, लेकिन ये माइलेज मुझे इस बाइक ने हाईवे पे दिया है। फर्स्ट और सेकंड सर्विस होने के बाद में जो है माइलेज हो जाएगा। सो आई होप कि ये जो माइलेज टेस्ट का वीडियो था सिटी एंड हाईवे के लिए आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा आपकी इस बाइक को परचेज करने में। थैंक यू सो मच पलाश भाई, जो भी साइड में खड़े हुए हैं उनको मैं बुलाता हूँ एक बार। आइए, इन्होंने मुझे ये बाइक दी और टेस्ट राइड करने के लिए और एक माइलेज टेस्ट करने के लिए। एक बार इनसे भी ले लेते हैं इनका फीडबैक कि ये बाइक इन्होंने ऑलमोस्ट कितना टाइम पहले ली है आपने। ये अभी मैंने 10 से 12 दिन हुए। और लेने का रीज़न क्या था आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्रांड नेम यामा की रिलायबिलिटी, ठीक है, उसके लुक्स आते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स लगे और इसका इंजन मुझे रिलायबिलिटी जो है अट्रैक्ट किया काफ़ी। हाँ, तो अभी जो आपका यूज़ क्या रहेगा इस बाइक का? अभी मोस्टली मैं सिटी में कम्यूट करूँगा, ठीक है, उसके बाद 1 मंथ या 2 मंथ्स के अराउंड 200-300 किलोमीटर की राइड रहेगी। मतलब आप बेसिकली वडोदरा से नहीं है? वडोदरा से। तो आपका कहाँ पे है होम टाउन? फ्रॉम इंदौर। इंदौर से हैं, तो ऑलमोस्ट कितना 300 किलोमीटर यहाँ से? 350 जो है। तो कभी कभी जो मंथ में या फिर 2 मंथ में जब इनको घर जाना होगा सो उस राइड में भी जो है ये बाइक यूज़ करेंगे, तो उस पर्पस को ये पूरा सॉल्व करती है और ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद द बाइक। तो इसी के साथ में जो है मैं इस वीडियो को फिर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही मिलता हूँ आपसे मेरे एक और नए वीडियो में। चलिए, थैंक यू।